हेलो गाइस, तुम पापा के पास आ सकते हैं। देखो मम्मा सॉरी हमारी, हम तो खाते हैं आपको। चलो हम नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं गाइस, बाय बाय। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो ब्लॉग तो शाम को मिल रहा होगा, गुड मॉर्निंग बोल देते हैं। शाम को मिलेगा नहीं, सुबह को डालेंगे ब्लॉगिंग। सुबह को करें नहीं, शाम को डालेंगे। अभी शाम को डालेंगे यार, क्योंकि अभी जो स्टैट्स हैं उसके हिसाब से, जो एनालिटिक्स है मेरे चैनल की, शाम को ही इंगेजमेंट ज़्यादा है सबसे, तो उसी टाइम पर डालना बेटर है। ठीक है, जब थोड़ा सा क्या है कि एक बेस बन जाएगा, उसके बाद आप मॉर्निंग से डाल सकते हो, लेकिन शाम को ही। तो गुड इवनिंग है, पर हम मॉर्निंग से स्टार्ट कर रहे हैं। कल का ब्लॉग कैसा लगा उसके बारे में ज़रूर बताएं। और हम आ गए हैं काशीपुर, और अब शुरू करते हैं डेली ब्लॉगिंग चैप्टर टू नहीं चैप्टर थ्री। लेकिन मैंने वैसे तो बहुत बार अटैम्प्ट किया है, लेकिन सीरियसली दो बार अटैम्प्ट किया है डेली ब्लॉगिंग, और दोनों बार एक लंबी स्ट्रीक करी। फर्स्ट टाइम पर जो डेली ब्लॉगिंग करी थी वो सबसे ज़्यादा लंबी चली, 3 महीने से भी ज़्यादा आई थी। सेकेंड टाइम 1 महीने के आसपास, और बाकी शुरू होता है खेल अब। मैंने आपको पहले ही बताया, डेली ब्लॉगिंग इज़ नॉट अ जॉक, इट्स अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन, इट्स अ मैटर ऑफ कंसिस्टेंसी, एंड इट्स ऑल अबाउट योर डेडिकेशन एंड योर विल पावर टुवर्ड्स योर पैशन, टुवर्ड्स योर वर्क। आप कितना सीरियस हो अपने वर्क के लिए, अपने पैशन के लिए, ये सब शो करता है डेली ब्लॉगिंग से। तो इस बार हम देखेंगे कि कुछ चेंजेस ओवरऑल लाइफ में हमने किया है या नहीं किया है। घर से निकलना हो गया है बाहर, काम जो कि बहुत समय से नहीं करा, तो थोड़ा काम भी चलता रहेगा और ब्लॉगिंग भी चलती रहेगी साथ के साथ में। कुछ फ्री की एडवाइस भी हम देते रहेंगे, जैसे कि हमेशा देते हैं। अभी की फ्री एडवाइस ये है कि जितने भी बच्चे गांव में रह रहे हैं, वो प्लीज़ अपने आप को ये ना सोचें कि वो गांव में रह गए हैं और शहर में आके लोगों ने बहुत बड़ा कोई क्या कर लिया, तीर मार लिया। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है, दिस इज़ अ मिथ। जहाँ भी हो, जो भी कर रहे हो, और अगर फार्मिंग है तो फार्मिंग का बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, ये बस एक तरीका लोगों ने ढूंढा आराम फरमाने का, कि आराम वाला काम चाहिए, इस काम में तो मेहनत है, कोई भी काम बिना मेहनत के नहीं है। और जो सुकून तुम्हें ईमानदारी की किसानी की रोटी में मिलेगा, वो दुनिया में किसी काम में नहीं मिलेगा, या फिर उन कामों में मिलेगा मजदूरी में, या फिर वहाँ पर जहाँ पर मतलब रियल एक रियल वर्क है, रियल हार्ड वर्क है। तो गाँव में रहने वाले बच्चे बिल्कुल भी हतोत्साहित ना हो, ठीक है। बट एक मेरी गुजारिश है, जो पढ़े लिखे बच्चे गांव के हैं उनसे, कि अगर कुछ वाकई में देखो अपने लिए भला तो दुनिया सोचती है, और अंत में पता सबको ये लगता है कि अपने लिए भला सोचने से उसे कहीं सुख शांति नहीं मिली। यहाँ पर भगवान ने जन्म दिया है इस समाज में, तो इस सोसाइटी के लिए भी करना है, और उससे जो आत्मा को संतुष्टि मिलेगी वो बहुत ज़्यादा है। और अपनी इच्छाओं के घोड़ों पर जितना नियंत्रण रखोगे उतना बेटर है। काम करो, बड़ी सोच रखो, बड़ा प्लानिंग करो, बड़े गोल रखो अपने, बड़े लक्ष्य, और बड़े लक्ष्यों के लिए हम लोग जी जान लगा दो, और मतलब जुनून, गिरो उठो वो सब एक अलग चीज़ हो गई। उससे कुछ लोग ये मत सोच लेना कि नहीं सोचना नहीं चाहिए बड़ा, बिल्कुल सोचो, लेकिन रास्ते सच्चे होने चाहिए बड़े सपनों के पाने के लिए, और साथ साथ ज़िंदगी बिल्कुल नीचे रखो एकदम, ठीक है। और जो गाँव में पढ़े लिखे बच्चे, मैं उनके लिए बोल रहा था कि गांव में बहुत ज़रूरत है। तुम देखते हो कितनी ज़्यादा जो है गलत चीज़ें होती हैं, है ना। जो फंड आता है हमारे गांव को डेवलप करने के लिए, हमारे गांव में वो पैसा लगेगा तो उससे कितना सुंदर हमारा गांव बनेगा। वेस्ट मैनेजमेंट सबसे बड़ी समस्या है गांव की, तो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अपनी पढ़ाई झोंको, ठीक है, पॉलिटिक्स में आओ। मैं वैसे पॉलिटिकल लीनिंग मेरी थी, लेकिन मैं अब पॉलिटिकल बिल्कुल हो गया हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया पॉलिटिक्स में बिल्कुल वैसे इन्वॉल्व मत हो बेमतलब में। अगर कुछ करना है तो अच्छी पॉलिटिक्स करने के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करो। फालतू में बैठ के गप्पे मारना, आपस में रिश्ते ख़राब करना पॉलिटिक्स में, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है और पिछले कुछ सालों में, तो वो मत करो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जिन्हें पॉलिटिक्स करनी है वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं और मज़े ले रहे हैं, इतना समझ गए होंगे। तो रियल में कुछ चेंज करो गाँव में, उसके लिए निकलो, ठीक है। अपना बहुत टाइम है, फ्री टाइम, और बिल्कुल भी ये मत सोचो हीन भावना कि हम गांव में रह गए,
हर आदमी यहाँ चला गया वहाँ चला गया, वो घंटा कोई कहीं नहीं गया, ठीक है। सब दाल रोटी खा रहे हैं, वो दाल रोटी ही खानी है और सुबह को फ्रेश होना है। तो प्रकृति ने जो बनाया है ना वो यही चीज़ें हैं, बाकी इंसान की ज़बरदस्ती की वो है। अब हम तो गांव में किसानी लायक भी नहीं रहे कि घर से ही बचपन से बाहर निकाल दिया गया पढ़ाई के लिए, और फिर जो है दिक्कत होती है क्योंकि किसानी का भी एक प्रोसेस है, ठीक है। वो हार्ड वर्क और वो जो मेंटल स्टेटस है ना वो एकदम से स्विच नहीं कर सकते। मैंने कोशिश करी लेकिन पॉसिबल नहीं है अभी। तो जो हैं बच्चे अपना पॉलिटिक्स में आओ, ज्वाइन करो, ग्राम प्रधान बनो, कम से कम वहाँ से स्टार्ट करो। और नहीं ज़्यादा लोग हो रहे हो तो फिर आपस में सब लोग डिसाइड करो कि यार कौन बढ़िया से किसको ज़्यादा नॉलेज है, कौन अच्छे से जो है गांव को लीड कर सकता है, और ईमानदारी से काम करो, ठीक है। ईमानदारी से काम करो, ये नहीं कि प्रधान बन गए तो अपना ही पूरा सब कुछ बन लिया और घर खड़ा कर दिया, गाड़ी ले ली, इस अप्रोच से बचो। और एक अच्छा एक बढ़िया कॉज के लिए काम करो, एक रिवोल्यूशन कुछ इस टाइप का लेके आओ, कोशिश तो करो कम से कम। देख रहे हो ना कितनी बदतमीजी होती है, स्कूलों में क्या हाल है, गांव के सरकारी और जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनके क्या हाल हैं, ये सब चीज़ें जो है इस पर जो है लगाम लगानी चाहिए। तो यूथ को मेरा एक यही मैसेज है कि भाई बाहर निकलो, यही वाला मैसेज था अभी के लिए। अभी दिन बढ़ा के लोग यहीं समेट दिए पहले लोग। सो आई एम डन विद वर्क, बहुत काम अपन ने कर लिया है और अपना ब्लॉग भी देख रहा हूँ मैं दूसरे मोबाइल पे, क्योंकि मुझे पता है भाई ब्लॉगिंग की परफॉर्मेंस बहुत ख़तरनाक हो रखी है मेरी और नोबडी इज़ इंटरेस्टेड, बहुत कम लोगों के अलावा। जो लोग मेरा ब्लॉग अब देख रहे हो ना, तुम ही मेरे सच में क्या कहना चाहिए शुभ चिंतक हो, क्योंकि तुम ही झेल सकते हो। ओवरऑल ठीक ठाक था दिन, कोई इतना खास एक्साइटेड नहीं। अब चलते हैं घर, घर की ओर। भाई लोगों घर पे आना हो गया, और आने के साथ एक विचार फिर से मेरे दिमाग में आ गया। वो विचार ये है कि ईएमआई के झंझट में मत पड़ना, ये ट्रैप है सच में। ईएमआई पीएमआई ये मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के लिए जो है ना ये ऐसा ट्रैप बनाया भाई कि बस तुम इसी में उलझे रह जाओगे। समझ रहे हो ना कौन कहता है ये एडवाइस, कौन देता है, बस समझ जाओ। हेलो गाइस, तुम हेलो गाइस, हम काम कर रहे हैं, बस काम करके हम सो जाएंगे, सुबह जल्दी उठना है क्योंकि हमको स्कूल जाना है गाइस। और गाइस देखो हम सो रहे हैं और हमें स्कूल ही जाना है, और हमें मान मान मानेंगे। और देखो देखो मम्मा सॉरी हमारी, हम चुकाते हैं आपको, चलो लिया। इस वजह से ब्लॉगिंग नहीं हो पाई थोड़ी, क्योंकि हमारा मोबाइल छोटे ब्लॉगर मिस्टर ईशान कामबोज ने ले लिया था, और उससे सच में बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करता है, मेरे से बढ़िया। बच्चे ऐसे ही इतनी जल्दी कैच करते हैं, वो देखता है ना जैसे कि मैं मोबाइल से शूट करता हूँ वीडियो, तो बस उसे आदत हो गई, उठा के मोबाइल मेरा बोला पापा जी चलो ब्लॉग बनाते हैं, और ले गया अपनी मम्मी के रूम में ले गया उसको दिखाने के लिए, चलो मम्मा को दिखाता हूँ मैं इसमें, मम्मा सोई पड़ी थी। तो रात हम सो गए थे, ब्लॉग एंड करना भूल गए थे, इसलिए हम ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय, सी यू, लव यू, गुड नाइट, मॉर्निंग हो रही है वैसे। बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।